असलमेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटेचर पर वालकम कहती हूँ आज की इस वीडियो के अंदर हम जो पॉइंट कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ ईद विच इज़ बाय अलमगीर हाशमी अलमगीर हाशमी इस पॉइंट के अंदर बहुत ही थी इंपॉर्टेंट थीम हाईलाइट करने जा रहे हैं विच इज़ अपर एंड लोअर क्लास ठीक है ये रिच और पुअर के दरम्या में जो गैप है उसको हाईलाइट करेंगे कम्युनिकेशन गैप को हाईलाइट करेंगे पॉवर्टी को हाईलाइट करेंगे मॉरल एंड रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करने वाले हैं और डिस्क्रिमिनेशन को हाईलाइट करने वाले हैं इस पॉइम के अंदर ऑन द अदर हैंड जो मुस्लिम का इवेंट है ईद वो ईद एक्चुअली में होता क्या है उसकी इम्पोर्टेंस बताने जा रहे हैं इस पॉइम के अंदर तो अपेरेंटली अगर ईद की बात की जाए तो ईद जो है वो अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका उर्दू में मतलब है खुशी करना क्लियर अब खुशी करना ये खुशी कब की जाती है अगर हम रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में बात करें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बेसिकली मुसलमान जब रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो रमज़ान में वो अल्लाह तला की इबादत करते हैं और अल्लाह तला की इबादत करने के बाद जब उनका रमज़ान अल्लाह तला की याद में गुजर जाता है तो उनको एज अ रिज़ल्ट रिवॉर्ड के तौर पे ईद का एवर्ड दिया जाता है यानी कि अल्लाह तै की तरफ से उनको इनाम दिया जाता है तो वो मुसलमान जो हैं वो उस दिन ईद करते हैं मतलब खुशी करते हैं कि उन्होंने अच्छे से अल्लाह ताली की इबादत की और वो ईद के मौका पे नए लिबास पहनते हैं मीठी सेवैयाँ पकाते हैं मीठे खाने पकाते हैं एंड अपनी ईद को खुशी खुशी सेलिब्रेट करते हैं ये होता है ईद का दिन अब राइटर के कहते हैं राइटर कहते हैं पोइम की टेक्स्ट देखें Perhaps ईद is more than the vermicelli thing. I was prone to believe. In the mosque this morning, I promised God to bend my knees another four times. अब यहाँ पे क्या कहा गया जी? Basically हमारे पास यहाँ पे narrator जो है एक young boy है, एक young child है, एक छोटा सा बच्चा narrator है, वो यहाँ पे writer का mouthpiece है, यानी के जो writer कहना चाहते हैं, वो writer इस बच्चे के through कह रहे हैं. नरेटर कौन हो गया हमारे पास इस पोएम का एक चाइल्ड नरेटर है और वो बच्चा क्या बता रहा है कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि छोटी ईद के ऊपर मीठी सेवैयाँ पका के खाई जाती हैं छोटी ईद के ऊपर मीठा खाया जाता है मीठा पकाया जाता है और इसको छोटी ईद को मीठी ईद भी कहते हैं कहते हैं शायद जो है ना छोटी ईद वो मीठी चीज से भी आगे की चीज़ है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि इस इवेंट पे स्वीट्स ही बनाए जाए जैसा कि ट्रेडिशन से चलता आ रहा है बल्कि इसका मतलब ये भी है कि इस दिन जो है अल्लाह ताला से वादा किया जाए कि अल्लाह ताला मैं सारा सारी ज़िंदगी और बाकी भी इस दिन थ्रू आउट अपनी लाइफ के अंदर अच्छे अच्छे काम करूँगा जैसे कि पर ईद इज़ मोर देन दर्मिसली थिंग वर्मिसेली कहते हैं मीठी सेवैयों को आई वॉज पोन टू बिलीव जो बचपन से मुझे चीज़ सिखाई जा रही है मुझे बचपन से चीज़ सिखाई गई है कि ईद जो है वो मीठी ईद होती है लेकिन मुझे लगता है ये उससे भी आगे की चीज़ है इन द मोस्ट दिस मॉर्निंग कहते सुबह सुबह मैंने क्या किया मस्जिद में आई प्रोमिस्ड गॉड टू बन माई नीस एन अदर फोर टाइम्स मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं अपने घुटनों को तेरे आगे झुकाऊंगा, यानी कि सजदार करूंगा एन अदर फोर टाइम्स चार दफ़ा मज़ीद ईद की नमाज की दो होती हैं दो रक्तों में चार सजदे होते हैं तो वो घुट्टों को झुकाना मतलब चार सजदे करना और इसके अलावा फजर की नमाज़ के अदा नमाज़ अदा करने के बाद ईद की नमाज पढ़ी जाती है फिर ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद चार नमाजें जहर असर मग़रब ईशा ये होती हैं तो यहाँ पे एक बात ये भी की जा रही है कि मैंने अब ईद की नमाज़ तो अदा कर ली अब अल्लाह से वादा करता हूँ कि अल्लाह मैं बाकी की चार नमाज़ें भी जो दिन में रहती हैं वो भी अदा करने आऊँगा ये हो गया जी सरफेस मीनिंग लेकिन डीपर मीनिंग क्या है डीपर मीनिंग ये है कि ऐ अल्लाह मैं जैसे रमज़ान में तेरी इबादत करके आया हूँ वैसे ही ये ईद का मौका है इस ईद के मौके पर ना सिर्फ मीठा पकाया जाए बल्कि तेरी इबादत के अंदर और प्रैक्टिकलिटी लेके आऊँगा मतलब और ज़्यादा तेरी इबादत करूँगा हर नमाज पढ़ा करूँगा तो ईद क्या है जिसमें इंसान अल्लाह से वादा करता है कि जैसे उसने रमजान में टाइम स्पेंड किया वैसा ही टाइम वो फर्दर भी स्पेंड करने की कोशिश करेगा अब वो कहता है माय फेलो नी बैंडर्स रेज ओफेट्री ओफेट्री होता है चंदा देना पैसे देना अब वो ओफरट्री किसे दे रहे हैं टू क्वेश्चन द प्रेयर कीपर सो एक्सपायर दिग्लेक्ट ही suffered ऑन द वुडन बेंच अब यहाँ पे बात की गई है कि मेरे फैलो जो नी बैंडर्स थे वहाँ पर जो और भी नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे उन्होंने नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिए ताकि वो पैसा इकट्ठा करके जो प्रेयर कीपर है यानी कि जो वहाँ पर इमाम साहब है नमाज पढ़ाते हैं उनको वो पैसे दें ताकि उनकी भी फाइनेशली हेल्प हो सके तो कहते हैं वो जो वादा आपने अपने घुटने झुका के यानी कि जो आपने अल्लाह से वादा किया था अब उस वादे को पूरा करने का टाइम आ गया मतलब अब प्रैक्टिकलिटी शुरू कर देते हो पहला स्टेप क्या ले रहे हो जी आप पहला स्टेप ये ले रहे हो कि आपने पैसे कलेक्ट करना शुरू किए हैं फॉर द सेक ऑफ हेल्प ऑफ किसकी हेल्प ऑफ द प्रेयर कीपर प्रेयर कीपर कीपर की हेल्प करने के लिए और क्यों वो इसलिए कहता है हु सफर्ड अ लॉर्ड जो एक वुडन बेंच के ऊपर बैठ के यानी कि मेंबर के ऊपर बैठ के, के अल्लाह ताला से हमारे गुनाहों की माफी मांग रहा था उसने हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से हम लोगों को दुआ करवाई हम लोगों को नमाज़ पढ़वाई हमारे लिए अल्लाह तब से अपोलॉजी की इसीलिए हम जो है उन इमाम साहब की मदद करने जा रहे हैं एक तो परस्पेक्टिव ये हो गया इसका एंड दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हुआ कि ईद जो है उस पर प्रेयर कीपर जो है इमाम साहब वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं वो इतने अफोर्डिंग पर्सन नहीं है उनके पास इतने पैसे नहीं हैं तो लोग जो है वहाँ पे ओफेक्ट्री इकट्ठा कर रहे हैं और वो ओफेट्री इकट्ठा करके अवाम साहब को देंगे मतलब यहाँ पे इमाम साहब की काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी हर्ट हो सकती है कि लोग उनके सामने ही चंदा इकट्ठा कर करके उनको देने जा रहे हैं जो चीज़ उनकी डिग्निटी को उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट भी कर सकती है इसीलिए अगर किसी भी पर्सन की मदद करनी हो या प्रेयर कीपर की मदद करनी हो तो जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले इस तरह से दो यानी कि छुप छुप के हेल्प किया करो एनी हाउ ये दूसरा पर्सपेक्टिव हो गया अब नेक्स्ट देखिए आउटसाइड द बेगर्स बट एन होल्डेड अस ईद कु How can these spi spindling shapes be blotted out from the face of the morning I had left behind my blotting paper the last day at school? ab अब मैं पहले first perspective bataungi बताऊँगी क्या हमने फर्स्ट परस्पेक्टिव देखा था कि वहाँ पे ईद थी ईद की नमाज के बाद वादा किया गया कि हम आगे भी अच्छे काम करेंगे उसके बाद उन्होंने आवाम साहब को चैरिटी दी फिर वो वापस आए अब वो जब वापस आए आउटसाइड द माउस मॉस्क मस्जिद के बाहर क्या कहते हैं वे बेगर्स बैठे हुए थे नीडी पीपल थे वहां पे जरूरतमंद लोग थे वहां पे वो हम लोगों को रोक रहे थे कंपेल्ड टू स्टॉप हम लोगों को रोक रहे थे उनके जो फेसेस थे उन उनपे खुशी दिखाई नहीं दे रही थी उनके फेसेस टेंड हुए हुए थे उनके फेसेस कॉड्रोए हुए हुए थे मतलब चीक्स बिल्कुल ही कम सी खुरदार सी हुई थी खाली सी उदासी थी उनके चेहरों पर उनके जो फेस थे वो स्पिंडलिंग शेप में थे तो यहाँ पे बता रहा है वो बच्चा कि बेसिकली उनके फेसेस के ऊपर जो इस इवेंट की हैप्पीनेस थी वो शो नहीं हो रही थी उनके फेसेस स्पिंडलिंग शेप में हुए थे और यहाँ पे फिर पॉइंट अपने एक इवेंट को रिकॉल करता है यानी यान कि बच्चा कि उस बच्चे के साथ क्या हुआ था बेसिकली एक दफ़ा उसके चेहरे के ऊपर इंक गिर गई थी तो इंक गिरने के बाद उसकी टीचर ने कहा था कि डोंट वरी परेशान ना हो इंक साफ़ करने के लिए ब्लॉटिंग पेपर होता है अगर ब्लॉटिंग पेपर आपके फ़ेस पर लगा दिया जाए तो आपका जो फ़ेस है वो स्टेनलेस हो जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा अब जब उसने टीचर से सीखा था कि जब ब्लॉटिंग पेपर को फेस पे किया जाता है तो उससे जो है ना पेपर फेस क्लीन हो जाता है स्टेन यानी कि जो दाग होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं पोइट इनके फेस को देख के अपने ब्लॉटिंग पेपर को रिकॉल करता है और कहता है मैं तो वो स्कूल में ही छोड़ आया था कहता है आई हैड लेफ्ट बिहाइंड माई ब्लॉटिंग पेपर द लास्ट डे एट स्कूल जब लास्ट डे था मैं तब स्कूल पे छोड़ आया था अपना ब्लॉटिंग पेपर तो पोइट सोचा कि यहाँ पे कोई ऐसा ब्लॉटिंग पेपर होगा जो इनके फेस से जो सोरोज हैं उनको पाइप कर दे साफ़ कर दे और उनको हैप्पी कर दे उनके फेस को बिल्कुल क्लीन कर दे ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया सेकेंड परस्पेक्ट में हम दे रहे थे कि जो अमाम साहब थे उनकी भी जो कंडीशन थी वो पिटल थी लेकिन फिर भी वो लोगों के लिए दुआ कर रहे थे और उनके जो पैसे मिलते थे बहुत ही काम थे कि उनकी बड़ी मुश्किल से अपनी जरूरत पूरी हो रही थी और उसके बाद जब मस्जिद से बाहर आए तो उसने बेगर्स को देखा वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके कपड़े फटे हुए थे और ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी पावर के साथ लोगों को पकड़ रहे थे उनसे पैसे मांग रहे थे उनसे उनको कुछ मिल जाए वहाँ पे चाइल्ड ने ऑब्जर्व किया सिचुएशन को सिचुएशन जो सोसाइटी के बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल सोसाइटी सोसाइटी बनी हुई है हर जगह सोरोज है हैं सफरिंग है कई लोग खुश नहीं है पॉवर्टी की वजह से और जो कंट्री में पॉवर्टी रेट है वो रेपिडली इंक्रीज होता जा रहा है उनके कपड़े फटे पुराने हैं उनके चेहरे जो है वो कर्डरी फेस वे में आए हुए हैं से हुए हुए हैं तो बच्चा जो है वो चाहता है कि इनके एंकर देयर कर्री चीक्स ठीक है यहाँ पे जो लाइन है वो चाहता है कि जो इनके फेसेस डस्ट से भरे हुए हैं उनके अंदर छाइयाँ सी आई हुई हैं झुरियाँ सी आई हुई हैं उदासियाँ सी हैं ये उनके फेसेस को बॉटल पेपर के साथ सॉरी ब्लॉटिंग पेपर के साथ साफ़ कर दे और वो भी खुशियाँ मनाएं और यहाँ पे पॉइंट ये भी विश करता है जो बच्चा है वो भी ये भी विश करता है कि जो अमीर लोग हैं ना वो भी इनकी हेल्प करें ब्लॉटिंग पेपर क्या है कि इनकी हेल्प की जाए तो इस तरह से इनकी भी डिज़ायर पूरी हो जाएगी ये भी अपनी लाइफ जो है वो हैप्पीली गुजार सकेंगे फिर holiday, no I, uh, है द मास्टर सेड इन हॉलीडे देयर वॉज नो डेंजर ऑफ स्टेनिंग अब यहाँ पे आई मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कहता है यहाँ पे मेरे मास्टर ने कहा था कि स्टेनिंग का कोई भी डेंजर नहीं है आई वॉज कन्विंस्ड

तो आगे कहते हैं लेकिन और मैं वो अपने ब्लोटिंग पेपर स्कूल में छोड़ आया हूँ फिर वो कहते हैं लेकिन मेरे मास्टर ने तो कहा था कि बाहर तो कोई भी डेंजर नहीं है बाहर तो कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं जहाँ पे आपको ब्लोटिंग पेपर की ज़रूरत पड़े कोई भी दाग नहीं लगेगा और मैं कन्विंस हो गया था हालांकि ऐसा नहीं था बाहर दाग थे लोग के चेहरे के ऊपर दाग थे और उन दाग को साफ़ करने के लिए ब्लोटिंग पेपर की ज़रूरत थी कहते लेकिन मेरे दिमाग के अंदर इतने ज़्यादा सवाल थे इतने ज़्यादा सवाल थे कि मैं बैठा सोच रहा था घर आ गया ना घर आके खाने की टेबल पे बैठा हुआ कहता मैं खाने की टेबल पे बैठा हुआ सोच रहा था जब मैं इतना ज्यादा तो तो सोच रहा था तो मेरे मेरे फादर ने मेरे फेस की तरफ देखा और उन्होंने मुझे कहा कि अपने खाने की तरफ ध्यान दो वॉच दैट अपने खाने की तरफ ध्यान दो कहता मैंने चम्मच उठाया वो चम्मच जो था वो चमक रहा था शाइनिंग स्पून था और उस चमकते हुए चम्मच के अंदर तो मैंने अपना चेहरा देखा कि उस चम्मच में मुझे मेरा चेहरा नजर आ रहा था इतना शाइनिंग चमकता हुआ स्पून था अब यहाँ पे जो शाइनिंग स्पून है वो रेफ़र कर रहा है रिच क्लास को कि बच्चा जो है ये अफोर्डिंग है और अफोर्डिंग होने की बेस पे एक रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है और रिच फैमिली से बिलोंग करता हुआ ये ईद की खुशी को इन्जॉय कर रहा है लेकिन ऑन द अदर हैंड सोसाइटी में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि ईद की खुशियों को इन्जॉय नहीं कर पा रहे होते क्यों क्योंकि उनके जो चिक्स हैं वो कॉड्री हैं वो कॉड्री क्यों हुए हुए हैं बेसिकली उनके पास खाने को कुछ नहीं है पीने को कुछ नहीं है कपड़े उनके फटे हुए हैं बैगर्स बने हुए हैं और अगर ऑन द अदर हैंड इमाम साहब की बात करें तो वो भी मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी इतनी नहीं है और लोग भी उनका इतना सपोर्ट नहीं कर रहे इतनी फंडिंग नहीं कर रहे और फंडिंग किस दिन कर रहे हैं ईद के दिन कर रहे हैं वो भी उनके सामने चैरिटी इकट्ठी करके ठीक है और सेकंड पर्सपेक्टिव देखें इस इस ट्जा का सेकंड पर्सपेक्टिव ये है कि बच्चा कहते जब मैं घर आया हूँ नमाज पढ़ के और ये सारा सेनारियों यानी कि बेगर्स का सेनारियों देख के और मस्जिद में सूरत हाल देख के और फिर जब मैं घर आया हूँ तो घर आने के बाद आई रियलाइज के दुनिया में बहुत से चेहरे ऐसे हैं जहाँ पे स्टेन है जहाँ पे दाग लगे हुए हैं और उन दागों को साफ करने वाला कोई नहीं है और वो दाग तभी साफ़ हो सकते हैं जब रिच स्पोर्ट करना शुरू कर दें पुअर की और ऑन द अदर हैंड कहता है मैं बहुत ज़्यादा सवालों में उलझा हुआ था मेरा दिमाग जो था वो क्वेश्चन से भरा हुआ था और मैं सोची जा रहा था सोची जा रहा था मेरे बाप ने मेरा चेहरा देखा और उनको रियलाइज़ हो गया कि मेरा खाने की तरफ ध्यान नहीं है तो उन्होंने मुझे कहा कि वॉच दैट अपने खाने की तरफ़ देखो फिर कहता है मैंने चम्मच उठाया और मैं खाने की तरफ देखने लग पड़ा और जो मैंने चम्मच उठाया था वो चमक रहा था और उस चमक के अंदर मुझे मेरा चेहरा नज़र आ रहा था मतलब वी हैव मनी वी आर रिच पीपल वी हैव मैनी थिंग टू डू वी हैव मैनी थिंग टू ईट लेकिन वी आर नॉट स्पोर्टिंग अदर्स हम दूसरों को सपोर्ट नहीं कर रहे हम पुअर को सपोर्ट नहीं कर रहे और यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को पोएम में सिखाया गया है कि हम लोग अपनी मॉरल अपनी सोशल अपनी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उनको पूरा नहीं कर रहे अगर हम हमारी मॉरल सोशल रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से पूरा करेंगे अच्छी तरह से पूरा करेंगे तो ईद का दिन जो है वो हर एक के लिए खुशी का दिन बन जाएगा और हमने यहाँ पर रिच एंड पुअर का गैप भी देखा पॉवर्टी का थीम देखा डिस्क्रिमिनेशन देखा हम लोगों ने कि बेगर्स जो हैं और नीडी पीपल हैं वो किस तरह से लोगों को खींच खींच के उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करवा रहे हैं और अगर लोग खुद ही दूसरे की जरूरिया पूरे करने लग पड़े तो ना कोई बेगर्स हो और ना ही कोई नीडी बचेगा हर एक की जो जरूरिया है वो टाइमली पूरी होती जाएंगे हर कोई ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करेगा दैट्स ऑल तो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ अब तक दुआ में खास याद रखिएगा केयर